Hello everybody, this is Radhika and welcome to BLED.in. As आप लोगों ने कहा था कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये सेकेंड ईयर का पेपर है प्रीवियस ईयर, जिसमें 2018 एंड 19 दो ईयर्स के अवेलेबल हो पाए हैं. तो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या है, इन क्वेश्चन पेपर में क्या है, एंड क्वेश्चंस को देखते हुए आप अपने टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. क्वेश्चंस को अच्छे से करें, एटलीस्ट जो क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उतने तो आप अच्छे से ही करके जाएं, जिससे कि अगर ये रिपीट होते हैं, होते क्या हैं, ये होते ही हैं गाइज रिपीट. तो क्वेश्चंस अगर एज इट इज़ रिपीट नहीं होंगे तो वो आपका चैप्टर रिपीट होगा. तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करें. हम देखते हैं कि आगे क्या है. सो दिस इज़ अ पेपर फॉर 2018. यहाँ पर हम देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं और रिपीटेडली आए हैं. तो ये 2018 का पेपर है, विच इज़ फॉर 70 मार्क्स. ऑप्शनल है तो 70 मार्क्स का होता है ये, एंड पर क्वेश्चन इज 4 मार्क्स. ये शॉर्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा यहाँ से, या ये क्वेश्चन पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. हम कोशिश करेंगे आगे कि इसका अगर सोल्यूशन हम लेकर आ पाएँ तो सोल्यूशन भी ले आएंगे, लेकिन टिल आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है. ऐसे सेट्स पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप सेट्स वाला चैप्टर लगा कर जाइएगा. सेकंड इज प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, कार्डिनैलिटी, ये सब सेट्स के क्वेश्चंस हैं. और क्या है कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो भी आते हैं, एंड जो थ्योरी वाले होते हैं वो भी आते हैं. तो करके तो आपको दोनों ही जाने हैं, बट आप प्रेफरेंस जिसको देंगे वो सॉल्व वाले क्वेश्चंस को देंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा. लेकिन ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 2 से 3 पेज लिखने पड़ेंगे शॉर्ट के लिए, एंड वही 6 से 7 पेजेस का मैटर आप कहाँ से लेकर आएंगे. सो कोशिश करें आपको क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन से. और मैट्रिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से थ्योरी भी सबसे ज़्यादा आती है और क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ये प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा. यहाँ पे एडजॉइंट एंड इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स देकर आप थोड़ा ज़्यादा मैट्रिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में. एक क्वेश्चन आता ही है मैट्रिक्स पर, जैसा आप देख सकते हो. रैंक वाला क्वेश्चन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप स्टार्स लगा लीजिए बिल्कुल, और रैंक वाला क्वेश्चन तो आपको करके ही जाना है, ठीक है. तो यहाँ पर ये हो गया डिटर्मिनेंट्स वाला क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. देन इट इज़ वैक्टर स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट्स. अब ऐसे आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, लेकिन आप इनको देख सकते हैं. और ये जो है एटलीस्ट ये तो आप करके ही जाइए. जैसे कार्डिनैलिटी है, इसको आप ढूंढिए, इक्विवेलेंस क्लासेस है, तो ये सब आप करके ही जाइए जितना यहाँ पर दिया है. एटलीस्ट वैक्टर स्केलर एंड वैक्टर प्रोडक्ट्स, इसकी थ्योरी पढ़िए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस. अब यहाँ पर आपको कुछ अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्विंग के लिए क्वेश्चन ज़्यादा हैं ही नहीं, ठीक है. तो इतना हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस. नेक्स्ट देखते हैं, द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एट दी एंड जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो तो ये चैप्टर्स आप बिल्कुल देख कर जाएँ. ओपन एंड क्लोज सेट्स के बारे में है. नाउ दिस इज सेक्शन भी यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एंड पर क्वेश्चन इज 21 मार्क्स. बहुत ज़्यादा वेटेज है इसमें, तो प्लीज़ अच्छे से करें और कोशिश करें विदाउट कटिंग एक ही बार में आप पूरा क्वेश्चन कर दें अच्छे से, क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं. तो विथ सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस करें तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. अगर मैं आपको सोर्सेज बता दूँ फॉर मैथ्स के लिए, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो कि आप अपनी थ्योरी कहाँ से कंपाइल करें, तो जो 12th की ISC की बुक होती है, तो उसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी की बुक एंड इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश की बुक, प्लीज़ आप उसको प्रेफर करें, वो सबसे बेस्ट बुक है. उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मिल जाएगा इसमें जो भी है BLED में, और ये सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एज इट इज़. आपको दिखेगा कि वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उसी बुक से. तो 12th के लिए 12th की बुक जो है ISC की, प्लीज़ आप उसको प्रेफर करें. ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे, आप देखिएगा. इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर भी ये थ्योरी है, थ्योरीज भी आपको उसमें बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है चीज़ों को लेकर. टेलर्स एक्सपेंशन और मीन वैल्यू थ्योरम भी, उसमें अलग से ही चैप्टर्स हैं ये सारे.
बाउंडेड सेट्स, लेबनिट्स रूल, ये लेबनिट्स जो थ्योरम है ये प्लीज़ करके जाइएगा। ट्रुथ टेबल ये भी उसमें चैप्टर है, ये बहुत ईजी भी होता है, तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से करें जिससे कि आप ईजी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएँ। कभी कभी जो डिफ़िकल्ट और इंटीग्रेशन वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो उनकी जगह आप ये वाले कर लो। इस वजह से जो ईजी ईजी टॉपिक्स हैं उनको तो आपको करके ही जाना है। सो नेक्स्ट इज़ फॉर 2019, देखते हैं क्या है। फॉर 70 मार्क्स अगेन सेक्शन ए, देखिए ट्रुथ टेबल से एक और क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इसको करके जाएं। यहाँ पर थ्योरी यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फिर से मैट्रिक्स का क्वेश्चन, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर्स भी आप देख कर जाएँ प्लीज़। एंड सिक्स्थ इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर्स, अभी रिपीट हुआ 2018 का, हमने अभी देखा था। क्वेश्चन दीज आर बाउंडेड क्वेश्चन, इट इज़ बाउंडेड और नॉट, ये भी सेट्स के हैं। कॉन्टीन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, ये सारे जो भी थ्योरी पार्ट है ईजिली आपको उस बुक में मिलेगा और पूरा पूरा मिलेगा, आपको कहीं से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सब उस मैक्सिमम मिनिमा। तो दिस इज़ अ सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हम देखते हैं 21 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस करने होते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो यू नो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको करके जाएं। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेक्टर, ठीक है, तो ये भी करिए। ये सेट्स से आपका क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट, ये 13 का पार्ट वन है और दिस इज़ पार्ट टू, तो इसमें पार्ट टू में आपकी थ्योरी है टेलर्स एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं कि मतलब रिपीटेडली यही वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसकी इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से आप इस तरह की थ्योरी तो करके ही जाइए जो आ चुके हैं इसमें। जैसे टेलर्स एक्सपेंशन हुआ, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने अभी जस्ट पहले देखा था, और केले हैमिल्टन की थ्योरी, तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरीज हैं इसमें जो मतलब आती ही रहती हैं रिपीटेडली, लेबनिट्स थ्योरम है एक, केले हैमिल्टन है, तो प्लीज़ आप इनको करके जाइएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, ये हिंदी में भी है आप देख सकते हैं, सो दे विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन पेपर को देखिए, सॉल्व करिए, और अगर आपके पास और भी पेपर्स हैं तो प्लीज़ blednotes@gmail.com पर आप उनको सेंड कर दीजिए। लिंक मैंने नीचे दे दी है और ईमेल एड्रेस भी, लिंक नीचे मैसेंजर का लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ सेंड करें, उसको हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑन आवर फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे कि आप वो गिफ्ट्स अवेल कर पाएँ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।